निकालते हो, अगर नीचे गिर जाती है तो आपको नीचे हाथ रख के इसको बाहर निकालना है। तो हेलो फ्रेंड्स, गजान ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में कॉम्बी ब्रेक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों कॉम्बी ब्रेक किस तरह से काम करता है, और कई भाइयों ने कॉम्बी ब्रेक के बारे में काम किया होगा तो उनको पता होगा दोस्तों यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी रहती है स्प्रिंग के बारे में, कैसे इसको वापस से सेट करते हैं। मैंने कई मैकेनिक को देखा है कि ये जो लीवर रहता है वो ऐसे कस्टमर को बता देते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं रहता और स्प्रिंग सेट नहीं होती, उसके थ्रू दोस्तों ये पूरा जो लीवर रहता है वो निकाल देते हैं। तो दोस्तों किस तरह से स्प्रिंग सेट करना है, कॉम्बी ब्रेक किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी आई और जिसकी दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक चिपक जा रही है, मतलब इसके दोनों आउटर्स, मतलब दोनों केबल्स और ये वाला केबल्स, ये केबल में भी दिक्कत है दोस्तों, आप देख सकते हैं ठीक से वापस नहीं आता, ठीक है। तो ये तीनों केबल मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ किस तरह से इसकी कॉम्बी ब्रेक वर्क करती है, और अगर आपको इस केबल किस तरह से चेंज करने हैं आसानी से उसके बारे में वीडियो चाहिए तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि उसके बाद दोस्तों मैं तुरंत ये वीडियो शायद अपलोड करूँगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना तो ताकि मैं वीडियो बना सकूँ किस तरह से केबल चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको केबल क्यों चेंज करना है, तो दोस्तों ये ब्रेक जो रिटर्न नहीं आती उसके कारण दोस्तों यहाँ पर अटक जाती है, और इसके कारण दोस्तों जो व्हील रहता है पीछे का, आप देख सकते हैं ये व्हील अभी मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है गाइस, ये व्हील बहुत जाम हो गया है, ये व्हील घूमता नहीं दोस्तों, गाड़ी धोते वक्त भी बहुत परेशानी हुई थी, और इसके कारण दोस्तों ये तीनों केबल हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि आगे ब्रेक का दोस्तों सेम पोजीशन है। तो दोस्तों कॉम्बी ब्रेक किस तरह से वर्क करता है, तो कॉम्बी ब्रेक दोस्तों जब आप पीछे की ब्रेक दबाते हो, पीछे की ब्रेक, तो दोस्तों जो नीचे रहता है नीचे वाला ब्रेक केबल वो भी हिलता है, मतलब जब पीछे की ब्रेक दबाओगे आप, ये दोस्तों केबल्स थोड़े से जाम हो चुके हैं उसके कारण ठीक से वर्क नहीं करता, लेकिन जैसे आप पीछे की ब्रेक, ये वाला पीछे की ब्रेक होती है और राइट वाली आगे की ब्रेक होती है, तो जैसे आप पीछे की ब्रेक दबाते हो तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पे दो केबल लिए गए होते हैं, और दोनों केबल में से जो ऊपर का केबल होता है और नीचे का केबल होता है वो दोनों एक साथ दबते हैं, और जिसके कारण दोस्तों पीछे की ब्रेक एंड आगे की ब्रेक दोनों साथ में लगती है, जिसके कारण दोस्तों गाड़ी स्लिप नहीं लगती है, ठीक है। और पहले क्या था दोस्तों, तो एक केबल रहता था और एक केबल में दोस्तों जब आप पीछे की दबाते थे पुराने मॉडल में, तो दोस्तों बाहर साइड एक वाइट एक्टिव, मतलब ब्लैक एक्टिव पड़ा है, उसमें सिंगल केबल आता है, तो पुराने मॉडल में दोस्तों जब एक ब्रेक दबाते तो सिर्फ पीछे की ब्रेक लगती थी, लेकिन अभी जो भी दोस्तों नए 2019 के अंदर जितने भी मॉडल आए हैं, चाहे बाइक हो या स्कूटर्स हो, तो सब में कॉम्बी ब्रेक कंपनी ने कर दिया है कि जब आप पीछे की ब्रेक दबाओ तो एक साथ आगे और पीछे की दोनों ब्रेक लगे। तो एक से देखने जाओगे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो भी की है वो अच्छी की है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी और नुकसान भी। नुकसान किस तरह का दोस्तों आप देख सकते हैं, क्या है दोस्तों कि जब कॉम्बी ब्रेक रहती है तो दोनों में से एक भी वायर ख़राब होगा तो आपका जो लीवर रहता है ब्रेक का वो ठीक से काम नहीं करता, आपने देखा होगा। देखो दोस्तों फिर देखने जाओगे दोनों में से जो आगे का ब्रेक केबल रहता है, जो नीचे वाला दोस्तों ये कॉम्बी ब्रेक का नीचे वाला केबल रहता है वो ख़राब होगा, तो पीछे का ब्रेक का दोस्तों जो केबल रहता है वो अटकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैं किस तरह से इसको खोलना है, तो खोलने के लिए दोस्तों आपको एक स्क्रू ये फोर पेयर का ये एंड ये की, तो तीनों स्क्रू बाहर निकालने, और यहाँ पर दोस्तों खोलते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अंदर की साइड एक स्प्रिंग रहती है, उस स्प्रिंग को आप सावधानी से निकालें। साथ ही में दोस्तों इसके केबल्स मुझे चेंज करने हैं तो मैं ये लीवर भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। ओके गाइस, तो ये मैंने निकाल दिया ऊपर का कवर, और यहाँ पे स्प्रिंग आती है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको निकाल दिए आप, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों, कई भाइयों को पता नहीं होता, स्प्रिंग निकालते हो अगर नीचे गिर जाती है तो आपको नीचे हाथ रख के इसको बाहर निकालना है। ठीक है भाई, ये स्प्रिंग है। तो दोस्तों ये स्प्रिंग ठीक से वर्क नहीं करती, जिसके कारण हमारा ब्रेक थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, कभी कभी दोस्तों ये इस तरह से लॉक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक कांच दी गई है, इस कांच के अंदर दोस्तों ये वाला पोर्शन लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कभी कभी होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी मैं ये लीवर निकाल देता हूँ और आगे का फंक्शन आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। इस मैंने केबल्स जो रहते हैं दोस्तों, तीनों केबल्स, एक दो एंड तीनों केबल्स चेंज किए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना किस तरह से केबल्स चेंज किए जाते हैं। तो कॉम्बी ब्रेक का के लिए दोस्तों स्पेशली वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग दी गई होती है। ठीक है, ये स्प्रिंग दोस्तों इसको पुश करती है और यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर दिया गया होता है जिसके अंदर दोस्तों ये स्प्रिंग लॉक होती है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, इस तरह का दोस्तों आता है। ठीक है, ये तो दोस्तों कॉम्बी ब्रेक की जो हाउसिंग रहता है उसके अंदर हर एक छोटे से छोटे चीज़ दोस्तों काम की रहती है, तो आपको खोलते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तभी कॉम्बी ब्रेक में होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो लीवर निकाला है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नट बोल्ट रहता है। अगर जैसे ये दोस्तों लीवर दबाएंगे तो दोस्तों ये दोनों आप वायर साथ में खींचेंगे। ठीक है, तो अभी नीचे दोस्तों वायर का मैंने नीचे खुला रखा है यहाँ पे दोनों वायर, और पीछे भी दोस्तों वायर खुला ही है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ठीक से मैंने अभी वायर का प्रॉपर किया नहीं है, लेकिन मैं फिट कर दूंगा। लेकिन सिर्फ ये कॉम्बी ब्रेक के लिए दोस्तों वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो कॉम्बी ब्रेक में और कुछ ज़्यादा आता नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना फंक्शन आता है। अभी इसको वापस से फिट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये लगाएंगे जो पहले मैंने निकाला, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ पे गैप दी जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग इसको पुश करके रखेगी ताकि ये बना रहे। ठीक है, अपनी जगह में अभी बात आती है यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें और आपको बहुत सावधानी से बिठानी है। तो कैसे बिठाएंगे, इस तरह से, तो ये पोर्शन दोस्तों इस तरह से बिठाना है। ठीक है, स्प्रिंग इसके अंदर लेनी है हमें, और ये जो स्प्रिंग के बीच में जो दोस्तों जगह रहती है ये वाले, ये जगह पे ये जो नट रहता है यहाँ पे, इसको अंदर जाके यहाँ पे स्प्रिंग को हमें थोड़ा सा पुश करके इस तरह से बेंड करना है। क्योंकि अगर दोस्तों ये स्प्रिंग नहीं होगी या टूट गई होगी या आपने निकाल दी लगाते वक्त, आपको आपने गिर गई और मिली नहीं, आपने ऐसे ही लगा दिया, तो दोस्तों ये जब खड्डे में पड़ेगा अपने आप इस तरह से लॉक हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, तो गाड़ी जब हाई रेंज पे रखेंगे गाड़ी, तो उस टाइम दोस्तों जो हमारा साइड स्टैंड पे गाड़ी रखेंगे तो थोड़ी सी पीछे जाती है, तो इसके कारण दोस्तों इसको लॉक के लिए रखा होता है, क्योंकि जब ब्रेक दबा के इसको हम लॉक कर देंगे तो गाड़ी पीछे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्प्रिंग किस तरह से लगानी, तो वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह से हमें स्प्रिंग को सेट करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से लॉक करना है और स्प्रिंग को इस तरह से अंदर जाने देना है। ठीक है, हल्के से इसको पुश करना है हमें। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको पुश करके अंदर जाने देना है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये लॉक हो चुका है। ठीक है, देखो दोस्तों ये अभी टेंशन में है। ठीक है, देखो मैं इसको दबा के रखता हूँ क्योंकि ये बाहर ना निकली जाए। तो इस तरह से ये अभी वापस से वर्किंग करने लगा है, जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ तुरंत ये नीचे की तरफ फोर्स करता है। ठीक है, तो ये काम दोस्तों स्प्रिंग का रहता है। अगर ये स्प्रिंग टूट गई या हो गई तो कॉम्बी ब्रेक चिपकना पॉसिबल है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो स्प्रिंग की कीमत ज़्यादा दोस्तों होती नहीं है, लेकिन ये छोटी सी स्प्रिंग आपको बहुत परेशानी कर सकती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अभी वापस से दोस्तों इसको सबसे पहले ये लीवर लगाएंगे हम, और उसके बाद किस तरह से इसको वापस से फिट करना है वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो अभी फाइनल इंस्टॉलेशन है, तो फाइनल इंस्टॉलेशन से पहले दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने लीवर जो क्लच का था, सॉरी ब्रेक का,
लंबे ब्रेक का जो लीवर था वो लगा दिया, और इसको इस तरह से पहले सेट कर देना है हमें, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों दो स्क्रू पहले लगा रहे हैं, तो कौन से दो, तो ये गे वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। ये दोस्तों लास्ट में लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों इसलिए पहले लगाने पड़ते हैं कि ये स्प्रिंग वाला पोर्शन बाहर ना निकल जाए। फिर दो बोल्ट टाइट कर दोगे तो वो टेढ़ी पोजिशन पर अपनी जगह पर बने रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आगे दोस्तों एक रबर आता है यहाँ पे, और रबर के बाद एक स्क्रू आएगा, तो रबर में आपको दिखा देता हूँ, स्क्रू भी दिखा देता हूँ। इस तरह का रबर आएगा, ठीक है, और एक स्क्रू आएगा, ऐसे ही होल सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको ये नट टाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यही था कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम, जो मैंने बहुत टाइम पहले एक कॉमेंट आई थी, मैंने सोचा कि जब मैं इसको केबल चेंज करने के लिए खोलूंगा तो मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मतलब कॉम्बी ब्रेक का काम क्या होता है कि जब पीछे की ब्रेक दबाते हैं तो आगे का व्हील, दोस्तों ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला पोर्शन रहता है उसका ब्रेक और एक पीछे का, दोनों केबल दोस्तों साथ में लगते हैं। इसीलिए अभी 2019 में दोस्तों जितने भी नए मॉडल आए सब में एक साथ ही दोस्तों ब्रेक लगती है। अभी बाइक लेने जाओगे या मतलब मोपेड हो, स्कूटर हो या बाइक हो, सब में कॉम्बी ब्रेक आ चुका है, ठीक है। तो कॉम्बी ब्रेक अच्छा है सिस्टम के लिए कि जब पीछे की ब्रेक दबा दे तो साथ में दोनों ब्रेक लगती है। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ केबल्स के बारे में दोस्तों आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं इसके बाद का दोस्तों तुरंत ही आपको ये वीडियो दे सकूँ, केबल्स किस तरह से चेंज किए जाते हैं।